नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो देख रहे हैं आप लोग मक्का का खेती है, आइए जानते हैं मक्का का खेती के बारे में कि किसान भाई लोग किस प्रकार से मक्का का खेती करते हैं। आइए आपको किसान भाई से मिलाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चलिए अपने बारे अपना छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार महतो, गाँव हुआ चपा टोली। हाँ हाँ, बताइए ये कौन सा खेती किया है आप? मक्का का खेती किया है ना? मक्का का खेती किए हैं। बताइए इसके बारे में, कैसे कैसे करके आप मक्का का खेती किए थे उसको? मक्का का खेती किए थे इसको, सबसे पहले तो खेत को तैयार किए, जोतवा के ट्रैक्टर से जोतवाए, खेत तैयार हुआ। हाँ हाँ। उसके बाद उसको फिर लाइनिंग किए, कुदारी से लाइनिंग करके। देख सकते हैं मक्का का खेती लाइन बाय लाइन करके लगा हुआ है। लाइनिंग किए उसके बाद भोचो कोड़े, उसमें थोड़ा थोड़ा डीएपी डाले। हाँ हाँ। डीएपी डालने के बाद एक एक दाना गिरा दिए बीजा। हाँ हाँ। वही गड्ढा में और पटा दिए। अच्छा, ऐसा करके लगाए थे आप ना। बताइए कि इसमें कौन सा बीज यूज किए थे आप? ये जेके का। जेके का है ना? देख सकते हैं जेके का बीज है और इसका फसल कैसा आया है इस बार। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से मकई का फसल तैयार हो रहा है। भाई साहब बताइए कि इसको कौन महीना आसपास में लगाए थे आप? इसको लगाए थे जुलाई, फर्स्ट जुलाई में ना। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग ये किसान भाई का मक्का का खेती है, ये लगभग तैयार हो चुका है। ये फर्स्ट जुलाई में इसको लगाए थे। अच्छा, लगाते समय क्या क्या खाद उद दिए थे आप इसमें? खाद उद इसमें खाली डीएपी, खाली डीएपी भर डाले लगाते समय। हाँ, लगाने का टाइम। उसके बाद में फिर लगाने के बाद कितना दिन बाद में आओ और फिर इसमें खाद दिए थे आप? उसके बाद जब जन्मने के बाद जन्म गया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद इसको चाल दिए। हाँ हाँ। पूरा चाल के और यूरिया। हाँ हाँ। यूरिया थोड़ा यूरिया डाल के और मिट्टी चढ़ा दिए। अच्छा। बस एक बार रोपने के टाइम डीएपी दिए और एक बार मिट्टी चढ़ाने के टाइम यूरिया दिए। अच्छा। और इसमें और माइंड नहीं दिए। लगाने के कितना दिन बाद में ऐसा किए थे? लगाने का लमसम 15 दिन मान के चलिए, मोटा मोटी 15 से 20 दिन। लगभग इसका हाइट करीब 1-2 फीट करीब हो गया था। 2 फीट। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से किसान भाई अपना खेती को किए हैं। इसमें रोग वोग भी लगता है, बताइए इसका रोग लगने का कारण क्या है? सर रोग वोग लगता है पानी ज्यादा होना कि धूप कुछ, जैसे किस कारण से लगता है? रोग लगता नहीं है इसमें, ज्यादा अधिकतर कीड़ा लगता है। हाँ हाँ। कीड़ा लग गया इसका, अभी पूरा डंठल निकल गया है। अब नहीं तो शुरू फर्स्ट टाइम निकलता है ना, बीच में गाभा टाइप का रहता है इसमें। हाँ हाँ। पूरा अथी रहता है खाली। हम्म। तो इसमें अंदर यहाँ पिलू कीड़ा लग जाता है ना। यहाँ कीड़ा लग जाता है। हाँ हाँ। तो अगर उस टाइम अगर दवा हम लोग डालते हैं ना, तो उस टाइम दवा को ऐसा चुआ के। हाँ, यानी कि पौधा के जहाँ रहता है वहाँ ऐसा चुआ के मशीन से डाल लेते। अगर उस टाइम अगर हम लोग कीड़ा को कंट्रोल कर दिए तो कीड़ा नहीं लगता। देख सकते हैं किसान भाई का पूरा फसल अभी तो पूरा फ्रेश है, कहीं वैसा कीड़ा ना कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। ये किसान भाई का अच्छा सा फसल हुआ है। और हम इसमें एक बार दवा का यूज किए हैं, एक बार दवा डाले हैं खाली। हाँ। थोड़ा हैवी दवा था यानी महंगा, हिम क्लियर करके आता है। हिम क्लियर करके आता है। एक बार डाले। हाँ हाँ। उसके बाद दवा अभी तक हम नहीं दिए। नहीं दिए है ना इसमें। देख सकते हैं किसान भाई किस प्रकार से दवा का छिड़काव करते हैं, या तो दवा जब ऐसा कीड़ा लग जाता है पौधा में तो किस प्रकार से दवा देते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी। बताइए किस समय बरसात के समय में दूसरा खेती भी कर सकते थे, लेकिन मक्का को ही कहे कि आप? मक्का का खेती में ये होता है ना कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ हाँ। इसमें एक बार लगा दिए। हाँ हाँ। और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, खाली एक बार मिट्टी चढ़ाना है, उसके बाद एक बार दवा डालना और मकई हो जाता है तैयार। हाँ हाँ। बाजार में भी बढ़िया बिकता है, 8 से 10 रुपए किलो केजी जम्मा में बिक जाता है। अच्छा अच्छा। कम मेहनत लगता है इसमें, कम मेहनत लगता है, बहुत कम मेहनत लगता है, इसीलिए मक्का का खेती को हम किए हैं। किए हैं। अगर कोई किसान भाई अगर करना चाहे, जो कभी नहीं किए हैं, अगर वो करना चाहे तो
सबसे अच्छा समय कौन समय होता है मकई को लगाने का? मकई का खेती तो बारहों महीना करता है, तो बहुत किसान बारहों महीना मकई का खेती निकालता है। हाँ हाँ। लेकिन ये सीजनली वाला मकई इसमें थोड़ा आसान रहता है, इसमें ना पटाने का टेंशन है, बारिशे से पैदा हो गया। हाँ हाँ। इसलिए लगा के आप छोड़ दीजिए, उतना ज्यादा मेहनत करने का इसमें जरूरत नहीं पड़ता। एक दो एकाध पटवन जैसे दाना डाले बीजा डाले उस टाइम में एकाध दो पटवन दो बार पटाएं इसको, उसके बाद नहीं पटाए बारिश से। अब रॉन्ग सीजन में लगाएंगे तो फिर पटाना ज्यादा पड़ जाएगा, उसमें गर्मी पड़ेगा तो दवा ज्यादा लग जाएगा। इसमें इस टाइम में दवा भी उतना ज्यादा नहीं लगता है, पटाना भी जरूरी नहीं पड़ता है। देख सकते हैं किसान भाई किस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं आपको कि अभी बरसात के समय में लगाने से इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सिंचाई जिसको पटाना बोल रहे हैं, जिसमें जिसको सिंचाई करना बोलते हैं, वो ज़्यादा सिंचाई करना नहीं पड़ता है बरसात के समय में। और अगर बाकी दूसरे समय में लगाने से पौधा जमीन सूखा हुआ रहता है तो उसके लिए अलग से सिंचाई करना पड़ता है, ये सोच के किसान भाई बाकी समय में मकई का खेती नहीं करते हैं ना, ऐसा बरसात के समय में बस करते हैं हम मकई का खेती। देख सकते हैं आप लोग कि किसान भाई का मक्का का खेती है। बताइए कि इसको अब मान लीजिए आप लोग तैयार हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए मार्केट में? बेचने के लिए बाजार बहुत है, लोकल बाजार है आपका ये कोई भी बाजार में, लेकिन अगर ज्यादा ले जाना सबको एक दिन ले जाना होगा तो ही थोक बेचने के लिए काटू ले जाना होगा, इधर अथी नगड़ी ले जाना होगा, ब्राह्मे ले जाना होगा, तभी ज्यादा बिकेगा। और जैसे थोड़ा मोड़ा बेचना है तो लोकल में बाजार है, सामने है जगह अगड़ू बाजार, दला दिल्ली बाजार, तीसरा बाजार में कुछ बहुत बिक जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा। नहीं बिकेगा। कैसे करके केजी बिकता है? लगभग 8 से 10 रुपये तो फाइनल है कि 8 से 10 रुपये किलो बिक जाता है। अच्छा, देख सकते हैं किसान भाई अपना खेती के बारे में जानकारी दिए। भाई साहब इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपना खेती के बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।